एक बार की बात है, सोनपुर नामक गांव में मुक्ति अपने भाई सुमित और भाभी सरला के साथ रहती थी। मुक्ति के माता पिता का कुछ समय पहले निधन हो चुका था। मुक्ति बहुत ही सुंदर थी। मुक्ति की भाभी सरला मुक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सरला मुक्ति की सुंदरता से बहुत ही जलती थी, उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन सुमित काम के सिलसिले से गांव से बाहर जाता है और सरला से कहता है, सरला मैं काम के सिलसिले से गांव से बाहर शहर जा रहा हूँ, मुझे समय लग सकता है। मैं अपनी बहन मुक्ति की जिम्मेदारी तुम पर छोड़कर जा रहा हूँ। तुम जानती हो मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूँ, तुम मुक्ति को बहुत प्यार से रखना। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुम्हारी बहन का ख्याल रखती ही नहीं हूँ। अब तुम क्या चाहते हो कि बस 24 घंटे उस राजकुमारी की सेवा करती रहूँ, अपने पर बिल्कुल भी ध्यान ना दूँ? नहीं बाबा, मैं तुमसे ऐसा नहीं कह रहा। मैं जानता हूँ तुम उसका ख्याल रखती हो, बस मेरे पीछे और ज्यादा ख्याल रख लेना, उसे माँ पिताजी की याद ना आए। ऐसा कहकर सुमित मुक्ति की जिम्मेदारी सरला को देकर शहर चला जाता है। सरला को अब सुकून की सांस आई थी कि अब वह मुक्ति से गिन गिन कर बदला ले सकती है। मनहूस कहीं कि माँ बाप इस दुनिया से चले गए, लेकिन महारानी को सुमित शहजादी बनाकर रखता था। अब सुमित शहर चला गया, अब देखती हूँ इस शहजादी के नखरे कौन उठाएगा। नौकरानी ने बना दिया तो मेरा नाम भी सरला नहीं। ऐसा सोचकर सरला बहुत खुश होती है और मुक्ति को अपने पास बुलाती है। ओ महारानी मुक्ति, कहाँ है, जल्दी मेरे पास आ। भाभी आपने मुझे बुलाया, आप इतना क्यों चिल्ला रही हो? हाँ मनहूस, मैं तुझे बुला रही थी, और मेरी बात कान खोल कर सुन। घर का काम आज से तू करेगी, बर्तन धोना, कपड़े इस्त्री करना, और हाँ पूरी किचन का काम भी तू ही करेगी। मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, वरना तू अच्छी तरह समझ लेना कि मैं तेरी कितनी पिटाई करूँगी। तेरा भैया वैसे भी यहाँ पर है नहीं जो तेरी हिमायत करेंगे। मगर भाभी मुझे तो कुछ काम करना आता ही नहीं है, पहले घर का सारा काम माँ करती थी, और जब से माँ इस दुनिया से चली गई तो इस घर को आप संभालती थी, अब मैं काम कैसे करूँगी, मुझे तो कुछ भी करना नहीं आता। हाँ हाँ महारानी को सिर्फ मुफ्त की रोटी तोड़नी आती है, घर का काम करना तो आता ही नहीं है। मुझे नहीं पता तुझे घर का काम करना आता है या नहीं, मैंने तुझसे कह दिया घर का काम सारा तुझे ही करना पड़ेगा। सरला ऐसे कहकर मुक्ति से घर का सारा काम कराती। अगर उससे काम करने में कुछ गलती हो जाती तो उसकी बहुत पिटाई भी करती थी। मुक्ति चुपचाप पिटाई भी सहती रहती और सारा घर का काम भी करती रहती। एक दिन सरला की बहन नैना सरला से मिलने उसके घर आती है। अरे नैना, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया, तुम मेरे से मिलने घर आई हो, कितने दिन हो गए तुमसे मिले। मेरा तो बहुत दिल चाह रहा था कि मैं माँ से और तुमसे मिलने घर आऊं, लेकिन मुझे समय ही नहीं मिल रहा था, लेकिन तुम आ गई मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ दीदी, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था आपसे मिलने का, कुछ दिनों के लिए मैं आपके घर रहने आई हूँ। क्यों नहीं नैना, इसे अपना ही घर समझो, तुम्हारा जब तक दिल चाहे तुम इस घर में रह सकती हो। सरला और नैना आपस में बात कर ही रही थी तभी वहाँ मुक्ति आ जाती है। मुक्ति को देखकर सरला कहती है, मनहूस लड़की तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरी बहन कितनी दूर से आई है, इसके लिए फ्रेश मैंगो जूस लेकर आ। मुक्ति नैना के लिए फ्रेश जूस लेने चली जाती है। नैना भी मुक्ति के ऊपर बहुत अत्याचार करती, उससे अपना सारा काम कराती थी। अगर वह नैना का काम नहीं करती तो सरला से कहकर उसकी बहुत पिटाई कराती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन मुक्ति सरला के पास आती है और उससे कहती है, सरला भाभी आपने मेरी सारी ज्वेलरी अपने पास रख ली है, मेरी फ्रेंड की शादी है, मुझे उसकी शादी में जाना है, मुझे ज्वेलरी में से झुमके चाहिए, वो दे दीजिए। महारानी को झुमके चाहिए, तुझे झुमके नहीं मिलेंगे, और तुझे शादी में जाने की इजाज़त किसने दी है? मैं और नैना एक पार्टी में जा रहे हैं, घर की देखभाल कौन करेगा? चल तू शादी में नहीं जाएगी और हम पार्टी में जा रहे हैं, घर का अच्छे से ख्याल रखना, और नैना कल घर जाएगी, उसके सभी गंदे कपड़े धोकर इस्त्री कर देना। ऐसा कहकर सरला मुक्ति को झुमके नहीं देती और दोनों बहन पार्टी में चली जाती हैं। सरला और नैना के पार्टी में जाने के बाद
मुक्ति अपनी माँ को बहुत याद कर रोती है। माँ, अगर आज आप जिंदा होती तो मेरे साथ जो इतना अत्याचार हो रहा है वह अत्याचार नहीं होता। आप और पिताजी के बाद भैया मेरे से प्यार करते थे, लेकिन काम के सिलसिले से वह भी शहर चले गए। अब भाभी मेरी कितनी पिटाई करती हैं, घर का सारा काम मुझसे कराती हैं, और आज मुझे मेरी फ्रेंड की शादी में जाना था, मुझे शादी में भी नहीं जाने दिया। मुक्ति अपनी माँ की तस्वीर के सामने रो ही रही थी, तभी मुक्ति को तस्वीर से आवाज आती है। मुक्ति, मेरी प्यारी बच्ची, तो इस तरह मत रो, मुझसे तेरा रोना देखा नहीं जा रहा। मैं जानती हूँ सरला तुम पर कितना अत्याचार करती है, और उसने तुम्हारे सारे जेवर भी अपने पास रख लिए हैं, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें एक जादुई झुमके का राज बताती हूँ। माँ, जादुई झुमके का राज? कैसा राज? मुक्ति बेटा, बहुत समय पहले की बात है, तुम्हारे पिताजी एक जादूगर के घर काम करते थे, और उन्होंने तुम्हारे पिताजी को तोहफे में जादुई झुमके दिए थे। जादुई झुमके मैंने संभाल कर तुम्हारे लिए रख दिए थे, लेकिन अब समय आ गया है कि वे जादुई झुमके तुम्हें मिल जाने चाहिए। ऐसा कहकर मुक्ति की स्वर्गवासी माँ मुक्ति को जहाँ जादुई झुमके रखे थे वह जगह बताती है। मुक्ति बेटा, मेरा पुराना बक्सा जो है उसके अंदर जादुई झुमके रखे हैं, तुम वह जादुई झुमके निकाल कर पहन लो। जैसे ही वह जादुई झुमके तुम पहन लोगी, तुम जो भी काम करना चाहोगी, जहाँ भी जाना चाहोगी, वो तुम आसानी से कर पाओगी। मुक्ति अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत खुश होती है, और अपनी माँ के पुराने बक्से से जादुई झुमके निकाल कर पहन लेती है। जादुई झुमके पहनने के बाद मुक्ति कहती है, मुझे मेरी फ्रेंड की शादी में जाना है। मुक्ति के ऐसे कहते ही मुक्ति शादी में चली जाती है। शादी में जाने के बाद मुक्ति बहुत खुश होती है और बहुत इंजॉय भी करती है। मुक्ति उसके बाद घर आ जाती है और कहती है, घर का सारा काम तुरंत हो जाए। मुक्ति के ऐसा कहते ही घर का सभी काम हो जाता है। सरला और नैना भी पार्टी से आ जाती हैं, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि मुक्ति शादी में गई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सरला की नज़र मुक्ति के जादुई झुमकों पर जाती है कि मुक्ति के पास इतने सुंदर झुमके कहाँ से आए। क्यों री मनहूस, तेरी सारी ज्वेलरी तो मेरे पास है, फिर तेरे पास इतने सुंदर झुमके कहाँ से आए? बता, तुझे इतने सुंदर झुमके किसने दिए हैं? भाभी, यह माँ के झुमके हैं, मैंने माँ के पुराने बक्से से निकाले हैं। मेरा दिल चाह रहा था झुमके पहनने का, तो मैंने पहन लिए। देख मनहूस लड़की, सीधी सराफत से झुमके मुझे दे दे, वरना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर सरला वह जादुई झुमके मुक्ति से छीन लेती है और उन्हें पहन लेती है। जैसे ही सरला जादुई झुमके पहनती है, सरला एक पुतला बन जाती है। सरला हिलना चाहती है, लेकिन हिल नहीं पा रही थी, सिर्फ बोल पा रही थी। मुक्ति, मुझे क्या हो गया? मैं एक जगह जम कैसे हो गई? मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, ना हाथ हिला पा रही, मेरी मदद करो। तभी मुक्ति की माँ की तस्वीर से आवाज आती है, सरला, तुमने मेरी बेटी के ऊपर कितना अत्याचार किया। यह जादुई झुमके मैंने मेरी बेटी को दिए थे, तुमने यह जादुई झुमके भी मेरी बेटी से छीन लिए। तुम्हें श्राप मिला है, और तुम अगर इस श्राप से मुक्त होना चाहती हो तो मेरी बेटी से माफ़ी मांगो, और सुमित को सारा सच बताओगी कि तुमने उसके पीछे मेरी बेटी के साथ कितना अत्याचार किया है। मुक्ति की स्वर्गवासी माँ की बातें सुनकर सरला को अपने किए पर पछतावा होता है, और वह मुक्ति से माफ़ी मांगती है। मुक्ति, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार किया, लेकिन आज के बाद मैं तुमसे कभी नफरत नहीं करूँगी और तुमसे बहुत प्यार करूँगी। जब तुम्हारे भैया शहर से वापस आ जाएंगे तो मैं उन्हें सारा सच बता दूँगी कि मैंने उनकी बहन का अच्छे से ख्याल नहीं रखा, उसके ऊपर बहुत अत्याचार किया। सरला के ऐसे कहते ही वह पुतले से इंसान बन जाती है, और सरला मुक्ति से बहुत प्यार करने लगती है, उससे कुछ भी काम नहीं कराती। ऐसे ही समय बीत गया, और जब सुमित शहर से वापस आया तो सरला सुमित को सारा सच बता देती है और उसे माफ़ी भी मांगती है। सुमित, मैंने तुम्हें सारा सच बता दिया है, लेकिन आज के बाद मैं मुक्ति को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी, उसे बिल्कुल माँ की तरह प्यार दूंगी,
लेकिन अगर तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे सजा मिलनी चाहिए तो तुम जो भी मुझे सजा दोगे मुझे मंजूर होगी। सरला, तुमने जो भी किया उसका पछतावा तुम्हें हो गया है। गलती हम इंसानों से ही होती है। ऐसा कहकर सुमित सरला को माफ कर देता है और अब सरला मुक्ति से बहुत प्यार करती है और इसी तरह मुक्ति की माँ के जादुई झुमके की मदद से मुक्ति बहुत खुशी खुशी अपने भैया भाभी के साथ रहने लगी थी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ऐसे ही नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।